हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के बीच में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले तो हम क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं कि क्रेडिट कार्ड है ये एक तरह से प्लास्टिक का रेक्टेंगल पीस होता है। ये मेरे आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये क्रेडिट कार्ड है। यहाँ देखो एक चिप लगी हुई है जिस जगह मेरी उंगली है, इसके नीचे नाम लिखा होता है जो होल्डर है। ये बैंक, कोई भी बैंक जैसे यहाँ पर एक्सिस बैंक है, ये इशू कर देता है। यहाँ पर नंबर है और ये जो वाइट स्ट्रिप है इसमें 3 डिजिट का नंबर लिखा होता है। इसकी वैलिडिटी होती है कि कब इसको इशू किया और कब तक है इसकी वैलिडिटी। इससे क्या होता है, इससे आप बैंक है या कोई भी जो इशूअर इंस्टीट्यूट है, कोई भी जैसे पेट्रोल पंप वाले भी आजकल इशू करने लग गए, कई बड़े बड़े मर्चेंट्स जो हैं वो भी इशू कर रही हैं, तो उससे उनकी क्रेडिट की लिमिट तय कर देते हैं। लेट्स सपोज आपने अपने क्रेडिट कार्ड में लिमिट सेट कर ली 3 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए की। आपने बैंक में कोई पैसा जमा नहीं करवाया हुआ लेकिन आपकी क्रेडिट लिमिट है, आपको ऑल ऑफ सडन पैसे की जरूरत पड़ गई या मार्केट में जा रहे हो, आप कहीं से भी कुछ परचेज कर रहे हो आप, तो क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके परचेज कर लो उसको। उसके महीने की 50 डेज की अलग अलग डेज होती है, मिनिमम 21 डेज की इसकी लिमिट होती है। 21 डेज के बाद आपको ऊपर इंटरेस्ट पड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि सरकार ने इस हिसाब से बनाया है, गवर्नमेंट ने कहा है कि 21 दिन मिनिमम देने पड़ेंगे जो भी कोई ईश्वर ब्रांच है, जो कंज्यूमर है कंज्यूमर से चार्ज करने के लिए, इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए। जो भी आप खर्चा करते हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। अगर आप टाइमली पे कर देते हैं तो कोई चार्जेस नहीं लेते। इसमें कई तरह के कार्ड होते हैं, जैसे वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड, डिस्कवर एंड अमेरिकन एक्सप्रेस। पहले तो मैं एडवांटेज बता देता हूँ, आपके पास कोई पैसा नहीं है, आपने मार्केट से परचेज किया, स्वाइप मशीन लगी होती है, स्वाइप मशीन से स्वाइप किया, ऑनलाइन पेमेंट करनी है ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं आप, एटीएम से पेमेंट करनी है एटीएम से कैश विड्रॉ करना है कैश भी विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए चार्जेस काफ़ी आपको देने पड़ते हैं। इसकी एनुअल फीस भी तय होती है। कई बार बैंक के साथ जो कंज्यूमर है कस्टमर है उसकी सेटिंग होती है कि वो एनुअल फीस नहीं चार्ज करते। इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि हम, क्योंकि ये पैसा बैंक का है, आपका अपना पैसा तो है नहीं, जब आप मार्केट में जाते हैं तो आप बेतहाशा खर्चा कर जाते हैं, आप सोचते हैं कि मेरे कौन सा जेब से लगेगा। मोर ओवर कार्ड के थ्रू आप जो पेमेंट करते हो आपको मालूम नहीं पड़ता कि आपकी जेब हल्की हो रही है। तो आपने मान लो आपकी लिमिट पेइंग कैपेसिटी है 1 लाख रुपये की, क्रेडिट लिमिट चाहे 1.5 लाख की, 2 लाख की, 3 लाख की है, आपने उससे ज़्यादा स्पेंड कर दिया, क्योंकि ऑब्वियस है जब आपके पास आपको दिख रहा है कि पैसे जब मर्जी इतना मर्जी सामान ले लो, पैसे जेब से देने नहीं है, आपने खरीद लिया, उसके बाद जो उसका ग्रेस पीरियड है, ग्रेस पीरियड के बाद आप पे नहीं कर पाते, तो आपको बहुत हेफ्टी इंटरेस्ट देना पड़ता है जो कि आपके ऊपर बर्डन है। क्रेडिट कार्ड के एडवांटेज मैंने जैसे आपको बताया कि आप बैंक से उधार ले सकते हैं सीधा, क्योंकि आम मार्केट में अगर पैसे लेने जाएंगे तो आपको कई बार नहीं मिलते, आप ज़्यादातर नहीं मिलते, क्योंकि आम लोगों को कोई जानता नहीं होता। बाकी नंबर दो पे अगर आपने ट्रैवल करना है, कोई मार्केट में परचेज कर रहे हैं तो उसमें डिस्काउंट भी मिल जाते हैं, कंपनीज के अलग अलग डिस्काउंट का होता है, आपका क्रेडिट कार्ड का क्रेडिट स्कोर भी हो जाता है, इंटरेस्ट रेट और फीस वेरी करती है इसमें। तो क्रेडिट कार्ड्स कई तरह के, जैसे स्टैंडर्ड कार्ड्स, प्रीमियम कार्ड्स, रिवार्ड कार्ड्स, बैलेंस ट्रांसफ़र कार्ड्स, सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड, चार्ज कार्ड्स, ये मैंने जिस तरह के कार्ड्स आपको बोले हैं ये इस तरह के कार्ड होते हैं। जो स्टैंडर्ड कार्ड है ये सिंपली एक लाइन ऑफ क्रेडिट यूज़र के को दे देता है। इसमें क्या होता है, आपने परचेज किया, बैलेंस ट्रांसफ़र कर लिया, कैश एडवांस ले लिए, इसकी ज़्यादातर इन स्टैंडर्ड कार्ड्स की कोई फीस नहीं होती है, एनुअल फीस नहीं होती। जो प्रीमियम कार्ड्स होते हैं इसमें क्या होता है, आपको एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिल जाता है, कोई एक्सेस मिल जाता है, लेकिन इसके लिए आपको एनुअल फीस देनी पड़ती है जो कि काफ़ी हायर होती है। रिवार्ड कैश जो होता है इसमें कैश बैक आपको मिल जाती है, ट्रैवल पॉइंट मिल जाती है,
कस्टमर को और भी कई तरह के बेनिफिट मिलते हैं जिस तरह वो खर्च कर सकता है। एक होता है सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड, जो है सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, इसमें आपको कुछ ना कुछ पैसे डिपॉजिट करने पड़ते हैं जो कि एज ए कोलेटर इश्यूअर के लिए एज ए कोलेटरल होता है। तो एक चार्ज कार्ड है जो कोई इसकी स्पेंडिंग लिमिट कोई नहीं है, आप जितने मर्जी खर्च कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं होती इसमें। लेकिन आपने मान लो एक महीने में 1 लाख रुपया खर्च कर लिया तो आपको वो पे करना पड़ेगा, ये नहीं कि आप कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे अगले मंथ के लिए। अगले मंथ में आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको पहले 1 लाख क्रेडिट चुकाना पड़ेगा, फिर आप नेक्स्ट मंथ के लिए जा सकते हैं। तो डेबिट कार्ड क्या होता है, ये PNB का डेबिट कार्ड है, इसको रुपये बोल देते हैं, जिस जगह मेरी उंगली रखी है इसके नीचे नाम लिखा होता है। ये भी क्रेडिट कार्ड की तरह ही बना होता है, रेक्टेंगल शेप में। इसके बैक साइड में भी सेम फीचर्स होते हैं, जैसे ये नंबर, जैसे क्रेडिट कार्ड का नंबर है वैसे ही डेबिट कार्ड का नंबर, और 3 डिजिट का एक नंबर दे रखा है इसकी। जब आपको इशू अपडेट लिखी होती है और वैलिड कब तक होता है, ये चीज़ें लिखी होती हैं। अब आप कहेंगे कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में डिफरेंस क्या है, डेबिट कार्ड में क्या डिफरेंस है। क्रेडिट कार्ड में तो आप बैंक का पैसा यूज़ कर रहे हैं, डेबिट कार्ड में क्या है, आपका अपना पैसा होता है। आपने अकाउंट में मान लो 5 लाख रुपये जमा कराया हुआ है, तो डेबिट कार्ड के साथ आप जितनी पेमेंट करते जाएंगे आपके अकाउंट से उतने पैसे निकलते जाएंगे, माइनस होते जाएंगे। इस पे आपको कोई इंटरेस्ट, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा। ये यूजली जो डेबिट कार्ड है बैंक एनुअल फीस नहीं लेता नॉर्मल कोर्स में, किसी किसी कोई तो बैंक इसके चार्जेज लेते हैं, 3 महीने का चार्ज ले लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये फ्री है। इसमें आपकी जितनी भी स्पेंडिंग है आप अपनी स्पेंडिंग अपना अपने पैसे ही यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए इंटरेस्ट पे करने का कोई मतलब ही नहीं है। इसका एक बेनिफिट और भी है कि आपको मालूम है कि आपके अकाउंट में मान लो 5 लाख रुपये है, कि 5 लाख की लिमिट बन गई, आप 5 लाख से ऊपर खर्च नहीं करेंगे, आप उससे नीचे नीचे पैसे खर्च करते हैं। डेबिट कार्ड का एक बेनिफिट और भी है, मान लो आपने ट्रैवल करना है किसी भी दूसरी जगह अपने घर से, तो आपको कैश कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। आप डेबिट कार्ड ले गए, मान लो 5 लाख रुपये, जैसे मैंने बोला कि 5 लाख की आपके पास अकाउंट में पैसे जमा है, तो आप कहीं भी 5 लाख रुपये तक परचेज कर सकते हैं। एक तो आपका चोरी होने का डर नहीं है इसमें, क्योंकि पासवर्ड लगा होता है, तो आपने जब स्वाइप करेंगे या ATM में डालेंगे या ऑनलाइन पेमेंट भी करेंगे तो आपको पासवर्ड देना पड़ेगा, पासवर्ड की सहायता से ही आपकी पेमेंट विड्रॉ होगी। दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का डिफरेंस क्या है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, इसको लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना ना भूलें ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड कर सकूँ। थैंक यू।